Assalamualaikum to everyone. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमारे इस मुआशरे में अगर कोई मर्द अपनी बीवी को इज्जत देता है या उसकी रिस्पेक्ट करता है या खिदमत करता है तो हमारा मुआशरा उसको रन मुरीद जैसे लकब से नवाजता है, और न जाने कितने ऐसे घटिया लकब हैं जिससे उसको नवाजा जाता है। तो यार, बीवी की खिदमत करना, उसकी केयर करना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे नबी ने की है, सुन्नत है। दर हकीकत हमें औरत के मकाम का नहीं पता, हमें जस्ट ये पता है कि शी इज जस्ट अ टाइम पास मटेरियल, यूज किया फेंक दिया, यूज किया फेंक दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें औरत के मकाम का पता चल जाए तो क्या ही बात है। यकीन माने कि औरत हमारी नस्लों की मुहाफिज है, वो हमें एक अच्छी नस्ल प्रोवाइड करती है, और उससे बेहतरीन साथी कोई भी नहीं है। बिलीव मी, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि कोई भी नहीं है उससे बेहतरीन साथी। ये जितने दोस्त हैं सारे आपको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन औरत वाहिद ऐसी है कि आपके ऊपर बुरे हालात हैं वो आपको नहीं छोड़ेगी, आपके ऊपर अच्छे हालात हैं वो तब भी आपको नहीं छोड़ेगी। बस बात सारी होती है इंसान की ज़हनियत की होती है। और सेकंड वन, मैं जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि मैं जस्ट फेम के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो यार, मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं ये 3 मिनट्स की 2 मिनट्स की वीडियोज़ बनाता हूँ और इतने टेक्स लेता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मतलब इतने मुश्किल वर्ड्स बोलना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, मैं पागल हूँ? क्योंकि आपको पता है टिकटॉक पे अच्छी चीज़ें बहुत कम है। टिकटॉक पर चवल मारें, कोई भी गंदी हरकत करें, आप वायरल हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता कि मैं अपना बैकग्राउंड शो करवाऊँ। मेरा बैकग्राउंड ही है जो मैं शो करवाता हूँ, क्योंकि इंसान के बोलने से उसका बैकग्राउंड के पता उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। तो टिकटॉक पे जो कुछ करता है वो अपना बैकग्राउंड शो करवा रहा होता है। बाकी आप लोगों को जो लगता है आप वो सोचें, लेकिन मैं मिशन से आया हूँ। मेरा मिशन ये है कि मैंने औरत का मकाम दिलाना है, मर्द को मर्द का मकाम बताना है। बाकी अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।